हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका टेक्निकल परीक्षा चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं छत्तीसगढ़ राज्य प्राचीन काल से विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र रहा है। इसका उल्लेख प्राचीन धर्म ग्रंथों से लेकर रामायण और महाभारत में भी मिलता है। ये मध्य भारत का विशाल वनों वाला राज्य है, जो अपने मंदिरों और झरनों के लिए बेहद ही मशहूर है। तो आइए, आज के इस नए वीडियो में हम आपको इस सुंदर से राज्य की पूरी जानकारी डिटेल में बताते हैं। वैसे तो हम सभी ये जानते हैं कि छत्तीसगढ़ को मुख्य रूप से कौशल राज्य के तौर पर जाना जाता था, और इसे छत्तीसगढ़ों को अपने अंदर समाहित करने के कारण छत्तीसगढ़ कहा जाता है। मध्य प्रदेश से अलग होकर इसका गठन 1 नवंबर 2000 को एक अलग राज्य के रूप में हुआ था। इसकी राजधानी रायपुर है और इसकी सीमाएं झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से मिलती हैं। यहाँ महानदी अरपा, शिवनाथ, हसदेव और खारून जैसी कई प्रमुख नदियाँ बहती हैं। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ राज्य में 33 जिले शामिल हैं और इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 1,35,194 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण भारत के भूभाग का कुल 4.14% है, और इस हिसाब से ये देश का 10वां बड़ा राज्य है। 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य की कुल आबादी 2,55,45,198 है। राज्य की साक्षरता दर 70.28% है। राज्य के सेक्स रेशियो की बात करें तो यहाँ 1,000 पुरुषों की तुलना में 991 महिलाएं हैं। राज्य की ज्यादातर आबादी हिंदू है, जो पूरी आबादी का लगभग 95% है। इसके अलावा यहाँ मुस्लिम, बौद्ध, सिख और अन्य धर्मों के लोग भी रहते हैं। छत्तीसगढ़ भारत के खनिज समृद्ध राज्यों में से एक है। यहाँ पर चूना पत्थर, लौह अयस्क, तांबा, फॉस्फेट, मैगजीन, बॉक्साइट, कोयला और अभ्रक के उल्लेखनीय भंडार हैं। तांबे की सर्वाधिक मात्रा बिलासपुर जिले से मिलती है, तो वहीं यहाँ लगभग 52.5 करोड़ टन का डोलोमाइट भंडार भी है, जो पूरे देश के कुल भंडार का 24% है। बॉक्साइट की बात करें तो यहाँ अनुमानित 7.3 करोड़ टन का समृद्ध भंडार है। वहीं टिन अयस्क का 2,700 करोड़ तो कोयले का 2,690 करोड़ टन का भंडार है। यहाँ स्वर्ण भंडार भी लगभग 48,05,000 किलो क्षमता का है। यहाँ भारत का सर्वोत्तम लौह अयस्क मिलता है, जिसका 19.7 करोड़ टन का भंडार है। भिलाई में भारत के बड़े इस्पात संयंत्रों में से एक स्थित है। राज्य में 75 से भी ज्यादा बड़े और मध्यम इस्पात उद्योग हैं, जो गर्म धातु, कच्चा लोहा, भुरभुरा लोहा यानी स्पंज आयरन, रेल पटरियों, लोहे की सिल्लियों और पट्टियों का उत्पादन करते हैं। राज्य की 80% आबादी कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों में लगी है। यहाँ खेती का प्रमुख मौसम खरीफ है और चावल यहाँ की मुख्य फसल है। राज्य में धान का सर्वाधिक भंडार मौजूद है और इसलिए राज्य को धान का कटोरा कहकर सम्मानित किया जाता है। यहाँ प्रति हेक्टेयर 14 क्विंटल धान का उत्पादन होता है। राज्य की अन्य महत्वपूर्ण फसलें मक्का, गेहूं, कच्चा अनाज, मूंगफली और दलहन है। छत्तीसगढ़ राज्य में मवेशी और पशुपालन भी रोजगार के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। यहाँ लोग मवेशियों में गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सुअर आदि प्रमुख रूप से पालते हैं। छत्तीसगढ़ अपने जंगलों, धार्मिक स्थलों और बहते झरनों के लिए बहुत ही मशहूर है। मैनपाट यहाँ का एक छोटा सा गांव है, जिसे प्रकृति ने बहुत ही खूबसूरती के साथ नवाजा है। हरे भरे मैदान, खूबसूरत झरने और आश्चर्य से भर देने वाले प्राकृतिक स्थल, ये सरगुजा जिले में विंध्य पर्वतमाला पर है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 3,500 फीट है। यहाँ का तापमान कम और सर्दियों में बर्फबारी होने की वजह से इसे छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है। इसे छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, क्योंकि भारत और चीन के बीच युद्ध होने के बाद वर्ष 1962 में तिब्बतियों को शरणार्थी के रूप में यहाँ बसाया गया था। छत्तीसगढ़ का बस्तर दशहरा परंपराओं और शक्ति उपासना के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के वनांचल में मनाए जाने वाले दशहरे में राम और रावण से कोई सरोकार नहीं होता। मतलब ना यहाँ रावण का पुतला दहन होता है और ना ही रामलीला का मंचन होता है। इस दिन यहाँ पारंपरिक रस्म और अनूठे अंदाज में शक्ति की उपासना होती है और यहाँ का दशहरा पर्व 75 दिन तक चलता है। वैसे तो भगवान जगन्नाथ को सब पुरी धाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ जांजगीर चांपा में मौजूद शिवरी नारायण धाम को छत्तीसगढ़ जगन्नाथपुरी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस स्थान पर प्राचीन समय में भगवान जगन्नाथ जी की तीनों प्रतिमाएं स्थापित रही थीं, लेकिन बाद में इनको जगन्नाथपुरी में ले जाया गया था। ऐसी आस्था भी है कि आज भी साल में एक दिन भगवान जगन्नाथ यहाँ आते हैं।
दोस्तों, अगर आप यहां आए हैं और आपके मन में पवित्र त्रिवेणी के दर्शन करने की इच्छा है तो आपको प्रयागराज जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप छत्तीसगढ़ में ही तीनों नदियों के संगम पर बसे राजिम की सैर कर सकते हैं। ये एक छोटा सा शहर है जो रायपुर से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। यहाँ महानदी, पैरी और सोंदूर नदियों का मिलन होता है जिसे त्रिवेणी संगम के तौर पर जाना जाता है। यहाँ आपको पवित्र मंदिरों की एक श्रृंखला भी दिखती है जो आपको यहाँ की जीवन संस्कृति और समृद्ध विरासत का एहसास करवाती है। यहाँ का डोंगरगढ़ भी एक प्रसिद्ध तीर्थ शहर है जो छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिले से लगभग 35 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। ये एक धार्मिक शहर के तौर पर भी जाना जाता है जो छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित देवी बम्लेश्वरी के प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इसे देखने दूर दूर से पर्यटक आते हैं। डोंगरगढ़ घूमने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च महीने का है। आपको छत्तीसगढ़ में सतनामी संप्रदाय के शाश्वत प्रतीक के रूप में खड़ा गिरौदपुरी धाम का इतिहास भी खूब आकर्षित करेगा। ये दुनिया का सबसे ऊंचा जैत खम्भ है और देश भर के पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। जब अध्यात्म और इतिहास की बात आती है तो इस धाम का बहुत गहरा जुड़ाव नजर आता है। प्रकृति की भव्यता, समृद्ध हरियाली और नदी संगम पर स्थित ये शहर अपने अंदर कई विरासतें समेटे है। भगवान शिव के भी छत्तीसगढ़ पर खास कृपा रही है। यहाँ के जशपुर में स्थित कैलाश गुफा शिव भक्तों का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। हर साल सावन में यहाँ भारी संख्या में शिव भक्त आते हैं और गुफा के अंदर स्थित शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। यहाँ कैलाश गुफा है, उसे संत गहिरा गुरु की तपोभूमि भी कहते हैं। इसके पास मौजूद अलकनंदा जलप्रपात यहाँ के वातावरण को और भी खुशनुमा बना देता है। चट्टानों से रिसता पानी, शांत वातावरण, उछल कूद करते बंदर और चिड़ियों की चहचहाहट मन में शांति और प्रकृति के करीब होने का एहसास कराते हैं। धमतरी जिले का गंगरेल बांध, जिसे रविशंकर बांध भी कहते हैं, यहां आने वाले पर्यटकों की लिस्ट में जरूर शामिल रहता है। इस बांध का निर्माण महानदी पर किया गया है और इसकी दूरी 15 किलोमीटर है। ये राज्य का सबसे बड़ा और सबसे लंबा बांध माना जाता है जिससे विद्युत का उत्पादन भी होता है। दोस्तों, अगर आप वाटरफॉल्स के शौकीन हैं, तो यहाँ चित्रकूट जलप्रपात की सैर जरूर करें। ये इंद्रावती नदी पर स्थित एक सुंदर जलप्रपात है जिसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 90 फीट है। इस वाटरफॉल की खासियत ये है कि ये बारिश के दिनों में रक्त लालिमा लिए हुए होता है तो गर्मियों की चांदनी रात में ये बिल्कुल सफेद दिखाई देता है। वैसे यहाँ अंतागढ़ से 17 किलोमीटर दूर चर्रे मर्रे झरने को भी मिस ना करें। यहाँ का कल कल करता पानी पर्यटकों को साल भर आकर्षित करता है। ये झरना 16 से 17 मीटर ऊंचा है और इतनी ऊंचाई से गिरने वाला साफ पानी देखने में काफी सुंदर लगता है। इसके अलावा आप यहाँ बारन वपारा वन्य जीव अभयारण्य भी देख सकते हैं जो बलौदा बाजार जिले में स्थित है और 216 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ की समृद्धि को दर्शाता यहाँ का पुरखौती मुक्तांगन उद्यान भी आपको बहुत पसंद आएगा। ये न केवल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है बल्कि ये हमारी जैव सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण के बारे में सांस्कृतिक जागरूकता फैलाता है। अगर आप द्वीपों के दीवाने हैं तो यहाँ मदको द्वीप हरियाली से भरपूर है और लगभग 24 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस द्वीप में भगवान शिव, गणेश, शिव पार्वती, नंदी और कई अन्य देवताओं की कई प्राचीन और अनोखी मूर्तियां भी मौजूद हैं। यहाँ नए पुराने दोनों तरह के मंदिर हैं, जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। छत्तीसगढ़ का तालागांव ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है तो वहीं रतनपुर पौराणिक और गौरवशाली इतिहास के लिए। भोरमदेव में आप खजुराहो मंदिर की झलक देखेंगे तो आगे मल्हार आपको मूर्ति कला में पारंगत नजर आएगा। यहाँ का सिरपुर पुरातत्विक स्थल भी आपको आकर्षित करेगा जो अपने आप में एक खास पहचान रखता है। छत्तीसगढ़ का चिरमिरी भी अपनी नेचुरल खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ झरने और पहाड़ों के अलावा नदी भी है जो इसे एक खूबसूरत हिल स्टेशन बनाती है। फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए भी यहाँ काफी कुछ है। ये जगह समुद्र तल से 570 से लेकर 580 मीटर की ऊंचाई पर हसदेव नदी के किनारे पर स्थित है जो प्रकृति का एहसास कराती है। राजधानी रायपुर से लगभग 30 किलोमीटर पश्चिम में तो भिलाई को भला कौन भूल सकता है। यहाँ भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। इसके अलावा यहाँ रायगढ़ एल्युमिनियम संयंत्र बालको तो वहीं कोरबा सरकारी विद्युत उत्पादन और एनटीपीसी के बड़े प्लांट हैं।
अब अगर औद्योगिक शहरों से हटकर नदियां, शानदार पहाड़ी चोटियों और हरे भरे घास के मैदानों पर चलें, तो यहां का बस्तर आपको खूब पसंद आने वाला है। ये जिला आदिवासी जनजातियों का घर है और यहां घूमने के लिए बहुत सारी जगह है। छत्तीसगढ़ जितना सुंदर है उतना ही स्वादिष्ट यहाँ का खाना भी है। चीला यहाँ का पारंपरिक भोजन तो मशहूर है ही, इसके साथ ही आप यहाँ मुथिया का स्वाद भी ले सकते हैं, जिसे चावल के बैटर और कई मसालों से तैयार किया जाता है। इसके अलावा बड़ा भी काफी फेमस है, जिसके वड़े को उड़द की दाल से बनाया जाता है और टमाटर या इमली की चटनी के साथ परोसा जाता है। और अगर आप मीठे के शौकीन हैं, तो तिलगुड़, खुरमा आदि छत्तीसगढ़ में काफी फेमस हैं। तो अब अगर आप छत्तीसगढ़ घूमने के लिए आ रहे हैं, तो आपको यहाँ आने के लिए सभी माध्यम भी बता देते हैं। अगर आप भारतीय रेल से सफर का आनंद लेते हुए यहाँ पहुँचना चाहते हैं, तो रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग तीन प्रमुख जंक्शन हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य को भारत के अन्य हिस्सों से जोड़ते हैं। लेकिन अगर आप हवाई जहाज से सफर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर का सहारा ले सकते हैं। सड़क मार्ग के जरिए भी आप यहां आसानी से पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में।